हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको बेबी से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, बेबी के उपटन का। और उपटन लगाने से बेबी के कलर में निखार आ जाता है और त्वचा में चमक आ जाती है, अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो जाती हैं उपटन लगाने से। और उपटन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, और घर की ही चीज़ों से हम उपटन बनाएंगे, नेचुरली उपटन बनाएंगे। इसमें कोई भी केमिकल हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, घर के ही सामान से उपटन बनाएंगे, नेचुरली उपटन बनाएंगे। और ये देखिए, मेरे बेबी यहीं पर लेटा है तो उसके चेहरे पर, बॉडी पर चमक देख ही सकते हैं। और इसके अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो गए हैं और स्किन वाइटिंग हो गई है। इसका पहले कलर ऐसा नहीं था और कलर भी साफ़ हो गया है पहले से उपटन लगाने से। और मैं इसको 2 मंथ से उपटन लगा रही हूँ तो आप देख ही सकते हैं, और इसका कलर भी पहले से साफ़ हो गया है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। बेबी को उपटन लगाने से पहले मैंने बेबी की मालिश कर दी थी, तो सबसे पहले हम मालिश कर देते हैं, उसके बाद नहलाने के टाइम पर उपटन लगाते हैं। यहाँ पर मैंने उपटन की सामग्री ली है, जिसमें 2-3 चम्मच के करीब बेसन लिया है, और देसी वाली शहद ली है, और दही लिया है, और कच्चा दूध लिया है, और हल्दी ली है। हल्दी 2 चुटकी है, ज़्यादा हल्दी का यूज ना करें, नहीं तो बच्चे की स्किन में रैसेस हो जाती हैं। और यहाँ पर गुलाब जल भी लिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने दही में बेसन को मिक्स कर दिया है, और आप कच्चा दूध भी मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर देसी वाली हल्दी ली है, जिसकी गांठें आती हैं उसको पीस लेते हैं, हल्दी को, हल्दी की गांठें आती हैं ना, उसी को पीस कर फाइन पाउडर बना लिया है, उसको मिक्स कर दिया है। 2 चुटकी हल्दी है, और इसमें देसी वाली शहद ली है, और ये सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर दिया था, और अच्छे से मिश्रण को मिक्स कर लेंगे, पतला सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, इतना पतला घोल बना के तैयार करना है उपटन का, ज़्यादा टाइट उपटन ना लें, नहीं तो बच्चे की स्किन पे ड्राइनेस आ जाएगी। तो आप इस तरीके से घोल बना के तैयार कर लें उपटन का। और चलिए स्टार्ट करते हैं उपटन लगाना बेबी को। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बेबी को पैरों से स्टार्ट करती हूँ उपटन लगाना। ये देखिए, इस तरीके से उपटन लगाती हूँ, बिल्कुल पतला सा घोल बना के तैयार कर लेती हूँ उपटन का, ज़्यादा टाइट उपटन नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले पैरों से उपटन लगाएंगे। सबसे पहले मैं पैरों से उपटन इसलिए लगाती हूँ जिससे बेबी रोता नहीं है और अच्छे से इंजॉय करता है उपटन को। और ये देखिए, इस तरीके से उपटन लगाती हूँ, हाथों को गोल गोल राउंड राउंड घुमाते हुए उपटन लगाती हैं, जिससे बेबी के अनवांटेड हेयर भी रिमूव होते रहते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथ से उपटन लगाना है, ज़्यादा टाइट हाथ ना करें, नहीं तो बच्चे को लग सकती है। तो इस तरीके से उपटन लगाते हैं, फिर टमी पर स्टार्ट कर देते हैं उपटन लगाना। तो राउंड राउंड हाथों को घुमाते हुए उपटन लगाना है, और ये देखिए, हाथों पर भी उपटन लगा रही हूँ मैं। और बच्चे को कुछ इससे हार्म भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बना उपटन है, जो घर में उपलब्ध रहती है उन्हीं चीज़ों से बनाया है मैंने उपटन। और ये देखिए, मेरा बेबी बहुत ही इंजॉय करता है उपटन को भी। और ये उपटन है ना, घर की चीज़ों से बना है तो बहुत ही जल्दी असर करता है, 100% इफेक्ट देता है, बच्चे की स्किन को ग्लोइंग करता है, अनवांटेड हेयर भी रिमूव कर देता है। और आप देख ही सकते हैं, मैंने जब इसको 2 मंथ से स्टार्ट किया था, जब ये 2 मंथ का था, तब से मैं इसको उपटन लगा रही हूँ। और उपटन लगाने से इसकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ गया है, ये देखिए। और इसको मैंने 2 मंथ से, जब ये 2 मंथ का था, तब से मैंने स्टार्ट किया है उपटन लगाना। और मेरी बेबी का कलर भी निखर गया है, ये देखिए, बिल्कुल उपटन लगाने से इसकी स्किन ग्लोइंग हो गई है। और ये उपटन इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, इसीलिए मैं ये वाला उपटन लगाती हूँ। और इसके अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो गए हैं, इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आए थे जब इसका बर्थ हुआ था, तो उपटन लगाने से इसके अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो गए हैं। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा असर किया है ये उपटन। और आप लोग भी अपने बच्चे को उपटन लगा सकते हैं। और इस उपटन में कोई भी हार्म केमिकल यूज नहीं किया है मैंने, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद उपटन है। और अब बेबी के फेस पर भी उपटन लगाएंगे।
और इससे अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो जाते हैं बेबी के फेस के। और कोई लेई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उपटन ही लगाने से बेबी के फेस के हेयर रिमूव हो जाएंगे बॉडी के, और जितने भी बेबी की बॉडी पर अनवांटेड हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे इस उपटन से। और ये देखिए इसने फेस से भी अच्छे से उपटन लगवा लिया है, और उपटन से है बेबी की फुल बॉडी ग्लोइंग करने लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर लगा सकते हैं अपने बेबी को उपटन। और देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ बेबी की स्किन को, ये मैंने उपटन लगा दिया है। और फुल ड्राई नहीं करना है बेबी को उपटन को, एक मिनट बाद ये देखिए ड्राई सा होने लगता है, हल्का गीले से में ही इसको हमको छुड़ा देना है उपटन को। ये देखिए मैंने गीला कपड़ा ले लिया है, इससे मैं बेबी को पोंछ दूँगी। और ये है ना, नहलाने से पहले गीले कपड़े से पोंछ दें आप बेबी को, उपटन रिमूव कर दें, क्योंकि उपटन जब हम बच्चे को नहलाते हैं तो उपटन आँख माँख में जाने का डर रहता है बच्चे की। तो पहले मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ उपटन को, क्योंकि बेसन बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। तो जब भी हम बेबी को नहलाते हैं ना तो आँख माँख में जाने का डर रहता है। तो बेबी को हम गीले कपड़े से पोंछ देंगे, एक कॉटन का गीला कपड़ा लें और उससे जो भी हमने उपटन लगाया है उसको रिमूव करें। और उपटन को है ना ड्राई नहीं करना है, सुखाना बिल्कुल भी नहीं है, गीला हो तभी उपटन को निकाल देना है, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो गीला उपटन ही निकाल दें, बस एक मिनट के लिए रहने दें बेबी के बॉडी पर। और ये देखिए बेबी की स्किन कितनी ग्लोइंग करने लगी है अभी से। पहले गीले कॉटन कपड़े से हम बेबी के पूरे बॉडी पर जितना भी उपटन लगाया है वो रिमूव कर देंगे, उसके बाद बेबी को नहलाएंगे। और ये उपटन रिमूव करने से ना बेबी को नहलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप बेबी को नहला सकते हो। इसमें है ना क्या रहता है कि बेबी की आँख में भी उपटन नहीं जाएगा, क्योंकि उपटन हमने पहले ही रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए बेबी पे बहुत ही जल्दी असर कर जाता है उपटन, और बेबी की स्किन बहुत वाइट हो जाती। और ये देखिए मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अपने डैडी के साथ। तो ये देखिए मैंने गीले कपड़े से पूरा जो भी उपटन लगाया था वो रिमूव कर दिया है, अब इसकी नहलाने की बारी आई है। तो अब नहलाएंगे बेबी को। तो यहाँ पर मैंने अपने बेबी को नहला दिया है, और नहलाने के बाद इसकी स्किन देखिए कितनी ग्लो कर रही है। ये सब उपटन का कमाल है, उपटन से इसकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा चमक आई है, निखार आया है इसकी स्किन पर। तो ये उपटन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुआ है, आप लोग भी लगा सकते हैं अपने बच्चे को उपटन। और आपके बच्चे को उपटन सूट करे तो ही लगाएँ, अदरवाइज ना लगाएँ, क्योंकि हर बच्चे की स्किन अलग रहती है। और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन की घंटी को जरूर से ज़रूर प्रेस करें।